So I'm recording from Himachal. It is a Neen village, and I am with Mr. Bhaskar, who is the owner of Snow Trail Camp. And Bhaskar ji se baat karenge, नमस्कार सर। और Bhaskar ji से जानेंगे कि Bhaskar ji कैसी रही आपकी जर्नी, और बहुत सुना आपके कैंप के बारे में, हाँ जी, और ढूंढते ढूंढते पहुँचे, थैंक और यू सर। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल नेचर के पास, एक बिल्कुल जी अलग तरह का माहौल। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ एक्चुअली सर, हम लोग बिल्कुल गांव के बीच में, और जंगल चारों तरफ जंगल है, ये बिल्कुल गांव के बीच में है, और यहाँ पे बाकी सिटी विटी है नहीं है। मेरा जो कैंप साइट बना है, मेरा कैंप स्नो ट्रेल कैंप करके जो ये है, ये बिल्कुल ऑर्चर्ड के बीच में है। मेरा चारों तरफ सेब का बागान है, सेब का बाग है, आजकल इसमें लगे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं, आइए। लेकिन अभी छूना मना है। अच्छा हाँ जी 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 हाँ जी जी ये सर मेरा एंट्री गेट है, जी और यहाँ पे एक हमारा वेटिंग रूम टाइप में है, अच्छा जिसमें मतलब हम रीडिंग कैफे भी बोल सकते हैं। आप जब आते हैं थोड़ा फ्रेश फ्रेश होने के लिए, जी इससे पहले कि आपको रूम अलॉट हो, जी तो आप यहाँ थोड़ी देर रुक सकते हैं। जी जी अरे बिल्कुल, ये मैंने देसी लुक में बनाया है स्टोन जी से पूरा, जी बिल्कुल रॉ जी इसमें कोई भी मतलब हमने ज़्यादा सीमेंट नहीं यूज़ किया। जी आप प्लीज़ आइए आइए प्लीज़। जी जी ये देख लीजिए सर, ये तो बहुत ये खूबसूरत हमारा है। वेटिंग लॉज है, टोटली लोकल वुड का वो ये बनाया है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, ये फायर प्लेस लगा दिया है, तो अच्छा लोग गेस्ट लोग यहाँ आके थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, रेस्ट अच्छा करते हैं। हाँ जी 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 तो यहाँ से नीचे बाकी कैंप्स शुरू हो जाते हैं, टेंट शुरू होते हैं। तो Bhaskar ji कब शुरू किया था आपने ये? ये मैंने 2008 में शुरू किया था सर, जी होम स्टे से शुरू किया था, जी फिर उसके बाद थोड़ा कॉटेजेस कुटेजेस बनाया, फिर कैंप साइट में रजिस्टर्ड किया मैंने इसको, जी और धीरे धीरे ये बढ़ता गया, अभी कॉटेजेस बना दिया, टेंट्स को भी कॉटेजेस में कन्वर्ट अच्छा कर दिया। अच्छा यस सर मैं आपको एक फीडबैक देना चाहता हूँ। जी मैं यहाँ पर हूँ 2 दिन से। हाँ जी जो सर, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना है आपने, बहुत खूबसूरत बनाया है, थैंक यू सो बहुत नाइस अच्छा ऑफ यू, इंफ्रास्ट्रक्चर सो है। नाइस ऑफ यू सर। और जो इंटीरियर है आपका, जो एक होता है ना जैसे कि शहरी टच से अलग एक इंटीरियर जो जी है, जी 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 वो इंटीरियर बहुत अच्छा लगा है। हाँ जी हाँ तो जी हम प्लान करके आए थे 1 दिन के लिए, और आज हमारा तीसरा दिन है। ये सब हमारा सौभाग्य सर। हाँ आप आइए, ज्यादा आप सौभाग्य दिखाइए सौभाग्य सर। मुझे। राइट सर राइट सर, ये सर ये आपसे आइए प्लीज, जी कॉमन वॉशरूम है सर, अच्छा लेडीज एंड जेंट्स, हाँ, ये आपका ये कौन सी कौन सा प्लांट है ये? ये जर्मन बुश, इसको हम जर्मन बुश बोलते हैं जी। ये अच्छा मार्च में ये फूल चालू हो जाता है, आना अच्छा इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाती है, अच्छा और अप टू नवंबर तक ये चला रहता है, अच्छा और इसकी जो खुशबू है सुबह और शाम बहुत ज़्यादा होती है, और ये आपकी पहाड़ों की रानी अच्छा हाँ जी, और ये प्लांट्स है सर, देवदार प्लांट्स बोलते हैं इनको, अच्छा ये सब मैंने अपने हाथ से लगाए हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी, ये हमने खुद प्लांटेशन करा है इसका। वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी, ये पाथ है, ये टेंट नंबर एक है जी। हाँ जी हाँ जी, अभी लॉक पड़ा है ये तो जी। बाकी सर ड्यू टू मतलब रेन नहीं हुआ ना, काफी टाइम से बारिश नहीं हुआ, तो ये सब गुलाब वगैरह सारा सूख गया, मतलब झड़ने लग गया। अच्छा हाँ, पानी की थोड़ी यहाँ पे कमी रहती है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, ये मेरे एप्पल प्लांट्स है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, ये जैसे वॉश लिशेस, ये तो ये कौन सा कोई एक खास तरह का एप्पल होता है, कोई नाम होता है हाँ इसका? जी हाँ जी, इसका नाम वॉश लिशियस है, अच्छा ये अमेरिकन वैरायटी का है, ये अच्छा काफी मीठा और काफी जूसी होता है सर। अच्छा हाँ जी, तो ये फसल कितने दिन में तैयार होती है एप्पल ये की? लगभग मतलब ये वंस इन ए ईयर, साल में एक बार ही होता है अच्छा। ये लगभग इसका प्रोसेस जो है मार्च एंड में शुरू हो जाता है, अच्छा पहले लीव्स आती है, फिर फ्लावरिंग होती है, फिर धीरे धीरे फिर इसमें मतलब वो निकलना पेटरफॉल हो जाता है, वो फूल का पत्ते झड़ जाते हैं, फिर सेब बनने शुरू हो जाते सेब हैं। बनने शुरू हो हाँ जी, जाते आजकल ये मतलब बेबी एप्पल है, बेबी एप्पल है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा आइए ये इस साइट पे सारे आपके हाँ जी, कैंप्स ये टेंट्स है, ये टेंट्स है, ये टेंट्स है आपके? हाँ जी, ये टू मैन टेंट्स है, मतलब स्विस टेंट्स है, तो इसके अंदर वॉशरूम वॉश इनबिल्ट होता है? हाँ मैंने है, देखा था जब मैं आया था। हाँ जी हाँ जी, वॉशरूम इनबिल्ट है। जी जी हाँ जी, इसमें मतलब ये नाशपाती का एक पेड़ है। अच्छा ये नाशपाती है? रेड बैटलेट बोलते हैं इसको। अच्छा ये हाँ बिग जी हाँ बास्केट जी वाले जो बेचते हैं? हाँ जी हाँ जी ये वो। हाँ जी, तो आप इसको लोकली कंज्यूम करते हैं या आप इसको आगे भेज देते हैं? आप वैसे हम भेजते भी हैं सर, लेकिन इसका क्या है कि गेस्ट लोग यहीं पे आके हमसे ले लेते हैं। अच्छा काफ़ी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो ये सब है, ये मैंने एक कॉटेज बनाया है इधर, अच्छा जिसपे आप रुक रहे हैं, ये रैन जी है। जी रैन मतलब ये लोकल एक चिड़िया होती है यहाँ पे। हाँ
जिसको आप जिसको हम स्पैरो बोलते हैं। यस, गोरैया, गोरैया बोलते हैं, गोरैया, होम स्पैरो। हाँ हाँ, हमारे पहाड़ी भाषा में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घरचिड़ी। अच्छा, घरचिड़ी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। इस बार जो एप्पल का क्रॉप है बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर ड्रॉट ऐसा ही रहा तो ये खराब भी होता है। अच्छा, ये तो क्या इनको बरसात चाहिए होती है, पानी ज्यादा चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा चाहिए होता है एप्पल को। अच्छा, इधर कोई कॉलेज भी है। हाँ, अच्छा। तो आप बता रहे थे कि आपने कुछ एडवेंचर एक्टिविटी रखी थी, बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। हाँ जी, हाँ जी, पहले बर्मा ब्रिज, कमांडो ब्रिज, जिप लाइन, वैली क्रॉसिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सब हम करते थे, करवाते थे बच्चे, स्कूली स्टूडेंट्स और कॉर्पोरेट वगैरह आते थे जी। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो सारा हमें अच्छा तो मतलब अभी इसको हम नहीं रन कर सकते, चालू मैंने बंद कर दिया। अच्छा, हाँ जी। तो आने वाले टाइम में अगर फिर से अप्रूवल आएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, आई विल गो फॉर इट। यू विल गो फॉर इट, राइट, डेफिनेटली, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो शहर के लोगों के फेफड़े तो ऐसे ब्लॉक रहते हैं, यही आके खुलते हैं थोड़े से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा प्योरली फिल्टर्ड एयर है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन पोल्यूटेड जोन है। ये हमारा एक कॉन्फ्रेंस हॉल है बैंक्यूट टाइम में। अच्छा, इसमें इसका नाम है पांची मंडप। पांची मतलब लोकल लैंग्वेज में पांची बोलते हैं, जहाँ पे 10-15 आदमी इकट्ठे होकर आपस में कौन आपस में बातचीत करते हैं, उसको हम बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, मंडप मतलब गृह जगह। अच्छा, अच्छा, आइए आपको प्लीज दिखाता हूँ जी। ये तो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है आपने। ये है सर, और ये जो इसमें लाइटिंग है, ये सारा वुडन का टोटली यहीं पे। अच्छा, ये हम लोगों ने वेस्ट का बनाया। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, थोड़ा सा ये अंदर इसमें अंधेरा रहे तो ये ब्लाइंड्स भी इसमें देते हैं, तो बाकी ये फर्नीचर तो बाहर से आता है सर। ये बहुत खूबसूरत है। तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ, लोग शिमला तक आके वापस चले जाते हैं, नहीं वो मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं होता, जबकि एक्चुअल ब्यूटी जो पहाड़ों की है। हाँ जी, actually, वो ऑफ साइड लोकेशंस पे ज्यादा है। शिमला सर, शिमला तो सिटी है, कोई ज्यादा मतलब वो नहीं है। हाँ, हाँ, तो लेकिन जो ब्यूटी है वो सारा शिमला से बाहर है, जैसे कुफरी है। हाँ, चायल है, नारलेरा है, नारकंडा है। तो थोड़ा सा गाइड करिए कि अगर कोई शिमला आता है डेस्टिनेशन पे और अगर आपकी लोकेशन पे आना है तो क्या रूट लेगा वो? वो चाहे वो अपना पहले चंडीगढ़ टू सोलन आ जाएगा, सोलन से आगे कंडाघाट एक जगह पड़ती है, कंडाघाट से चायल वाले रूट पे आना है। अच्छा, जितना कंडाघाट से शिमला दूर है उतना ही हमारा चायल दूर है। अच्छा, तो चायल से लगभग ये 12 से 13 किलोमीटर आगे आके जंगल के बीच में ये जगह है, यहाँ इस जगह का नाम है नीम, NEEM, नीम। हाँ, नीम। हाँ, तो यहाँ पे नीम में आना होगा जी। जी, यहाँ हमारे पास ट्रैकिंग रूट्स भी है, एक रिवर भी है, यहाँ पे रिवर पे आप जा सकते हो 15-20 किलोमीटर दूर जाके। और बाकी ट्रैक रूट्स तो आपको मालूम ही है, दो तीन। कल जहाँ पर हम गए थे, मंदिर गए थे, वो कौन सा ट्रैक था? सप्तशृंगेश्वरी माता मंदिर है एक छोटा सा जी, तो वहाँ पे शिंगी ट्रैक बोलते हैं उसको, सनसेट पॉइंट भी है वो, जाके आपने देखा होगा सनसेट हो रहा है, बहुत सुंदर लगता है सर, बड़ा करीब से आप देख सकते हैं। जी 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 जी। और ये मेरा आगे थोड़ा सा पाथ ये निकल के आगे जी, जी वो बिल्कुल लोकल स्टाइल में बनाया है जी। और इधर भी ये टेंट्स है जी, ये जो देवदार है सर, इसकी जो हवा है फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी है। हाँ, ये कितने कितने साल के पेड़ हैं ये सब आपके लगाए हुए? 15 साल पुराने पेड़। अच्छा, ये सब मैंने लगाए सारा। अच्छा, अच्छा, ये सारा किया हुआ जी। बाकी ये जो अपना डाइनिंग हॉल है ये अभी, अच्छा मतलब ये मड से हमने तैयार किया हुआ। अच्छा, ये डाइनिंग हॉल है आपका? हाँ जी, हाँ जी, ये डाइनिंग। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ जी, मेरा एक ग्रुप आने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा। अच्छा, इसमें वुडन उसको फर्निश कर दिया ये। अच्छा, बाकी आप ये देख सकते हैं, ये लोकल तरीके के बेंचेस। अच्छा, अच्छा, लोकल वुड का बना है, वुड से टोटली कवर्ड है जी, फायर प्लेस बनाया है। अच्छा, हाँ जी, इसमें सब बफे वफे लगे होते हैं, मैंने पानी पीने के लिए घड़ा भी रखा। अच्छा, बिल्कुल, बाकी फिल्टर फुल्टर वो सारा एक्वागार्ड वगैरह भी है। बिल्कुल, हाँ जी, ये एक गेस्ट आए थे, उन्होंने ये पेंटिंग बना दिया था। अच्छा, तो हमने ये रिमूव नहीं करा। अच्छा, ओके ओके, बिल्कुल,
जैसे आप बना रहे तो जी यार अस्त्र लेते हाँ जी बड़ी खुशबू अच्छी आ रही है पॉलिश की। हाँ जी ये पीछे पीछे भी कॉटेज है आपका ये? हाँ ये भी कॉटेज है। अच्छा लेकिन ये भी थोड़ा सा इसका रेनोवेशन चल रहा है सर। अच्छा थोड़ा रेनोवेशन चल रहा है। हाँ जी। और ये आपका दूसरा गेट है? ये मेरा दूसरा गेट है ये। अच्छा ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा ये अलग से। अच्छा अच्छा जी सर। तो यहाँ पर आने के लिए बेस्ट सीजन क्या है? बेस्ट सीजन सर वैसे तो आप विंटर में भी आ सकते हैं, स्नो काफी होता है, 3.5 फीट तक यहाँ पे होता है स्नोफॉल। और आप समर्स में भी कभी भी आ जाओ, लेकिन मेरे पास जो पहले फॉरनर्स वगैरह बाइकर्स वगैरह ये सब जुलाई अगस्त में आते हैं। जुलाई अगस्त में हाँ जी रेनी सीजन होता है, लेकिन रेन से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि हम हाइट पे हैं, यहाँ रेन में रेन से कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ जी, जी ये आपका किचन है? हाँ ये किचन है जी मेरा। अच्छा बिल्कुल हाइजीनिक है सर। हाँ जी जी वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी फूड तो आपने खाया ही है? हाँ भास्कर जी मैंने खाया है खाना। और बड़ा आपको आपको बताऊं, हम लोग जब मैं और नीरज कभी भी हम लोग प्लान करते हैं हम लोग ऑफ साइड जाते हैं, हमें हमें भीड़ भड़क का पसंद नहीं है। नहीं वैसे अगर सच पूछो तो सर आप जैसे लोग ही हमारे असली जी, गेस्ट हैं जी, असली कस्टमर हैं। हम ऐसे ही गेस्ट को ढूंढते हैं जो जिनको नेचर पसंद है जी। हाँ जी इट इज माय प्लेजर टू बी विथ यू एंड इट इज माय प्लेजर दैट आई हैव नॉट ओनली विजिटेड योर प्लेस, I made a friend for a lifetime. Thank you. So that is very important. Thank you, sir. And I will be posting this interview on my blog. Right, sir. Sure. And with your permission. Yeah. Okay. Priya, sir.